अभी आपकी ठुकाई करेंगे इंडिया सीरीज में, अभी आपके कुत्ते बनाए कुत्ता बनाएगा आपको, अभी आपको ठुकाई करेगा सूर्या कुमार यादव, मिस्टर 360 बेटा आपको रणदीप राणा ना करवा के गया। उसके बाद अगर आप लोग किसी आईसीसी के इवेंट में इंडिया को मिल गए और वह भी नॉकआउट मैच में, ये मैं चैलेंज के साथ बात कह रहा हूं, यकीन करो इंडिया ने इतना मारना है आपको, इतना मारना है आपको। आज इंडिया जीता नहीं है, आज उनकी आंखों में वो गुस्सा नजर आ रहा था वर्ल्ड कप फाइनल का, आज सूर्या कुमार यादव वर्ल्ड कप फाइनल का गुस्सा उतार के गया है। आज सोनू बेटा भाई राजरा देख, सूर्या कुमार यादव मुझे बाबर देखो, बाबर आजम 3 साल T20 क्रिकेट में नंबर 1 रहा है, सूर्या कुमार यादव पिछले 1.5 साल से T20 में नंबर 1 है, और किसी का बाप भी अभी कम से कम उसको T20 क्रिकेट से ना नंबर 1 पोजीशन से आगे पीछे नहीं कर सकता। मुझे बताओ बाबर आजम इंपैक्टफुल इनिंग्स खेलता था या सूर्या कुमार यादव इंपैक्टफुल इनिंग खेलता है 41 बालों पे। जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों वर्ल्ड कप में जिस तरह भारतीय टीम का प्रदर्शन फाइनल में जिस तरह कर रहा था, उसके बाद मैं भी उसके बाद कोई वीडियो नहीं बना पा रहा था, और आज दोस्तों पहली वीडियो लेकर आ रहा हूँ। और जो ये T20 के मैच में जिस तरह भारतीय टीम ने जीत दर्ज की है, उससे कुछ थोड़ा डिप्रेशन दूर जरूर हुआ है, लेकिन इसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया की देखिए किस तरह की प्रतिक्रिया रही है। आपने देखा होगा पाकिस्तानियों ने किस तरह से हार का खूब जश्न मनाया था। आज भी पाकिस्तानियों को उम्मीद थी कि जो भारत की जिस तरह की एक नए युवाओं की टीम खेल रही है, इसको ऑस्ट्रेलिया की टीम एक बार फिर से उसी तरह की करारी हार देगी, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। और जिस तरह भारत के युवा खिलाड़ियों ने जिस तरह का प्रदर्शन इस मैच में दिखाया है, उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन आ रहा है, तो इसको लेकर पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं, चलिए हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा। हम आगे आने वाले जो जितने भी क्रिकेट से जुड़े हुए लेटेस्ट अपडेट वीडियो आप पाक मीडिया के सबसे पहले लेकर आते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। कमिंस के बच्चे बाहर निकल के आना, जो से तू बकवास कर रहा था हमने गाबा वाली हार का बदला लिया, तो इंडिया ने भी वो हार का बदला आज ले लिया। यकीन करो जितना जलील करके उन्होंने आपको हराया ना, जिस तरह की हिटिंग सूर्या कुमार यादव ने की है, जिस तरह का उसने आपके बॉलर को कुत्ता बना के मारा ना बेटा, ये इनिंग्स कभी भी नहीं आप भूलोगे। उसने 80 रन मारे 41 बालों के ऊपर, सही ब्रिलियंट T20 क्रिकेट का वो अप्पू है। या मैं हर बार कहता हूं अगर ये वर्ल्ड क्रिकेट का अप्पू है ना, तो सूर्या कुमार यादव बेटा T20 क्रिकेट का बाप है, उसके आस पास भी कोई T20 क्रिकेट में नहीं आता। T20 क्रिकेट का वो अब्बू है, वो अब्बू है, वो अब्बू है। उसने T20 क्रिकेट में बाबर आजम का घंटा बजाया था, उससे नंबर 1 पोजीशन ली थी बेटा। अब वो फिर T20 क्रिकेट का बाप है। और फिर बात करूंगा रिंकू सिंह की, और रिंकू सिंह ने जिस तरह का घंटा बजाया ना ऑस्ट्रेलिया का, मतलब उम्मीद ला के उम्मीद वापस ले लिया। ब्रिलियंट ब्रिलियंट ये है। अब आओ सबसे पहले ना मैं सिले की तो लेता हूँ, सिले की तो सारी बात लेनी है, वो काम है लेना, पहले मैंने थोड़ी सी PSL की लेनी है। अब आओ PSL वर्सेस, अब मेरे पास वो घंटे के फैंस निकल के बाहर आओ जो PSL वर्सेस IPL करते हो कि PSL बेहतर है या IPL। बेटा रिंकू सिंह जैसा फिनिशर मुझे बताओ इस टाइम वर्ल्ड क्रिकेट में, बेटा वो 10 में से 10 मैच फिनिश करके आता है, मोस्टली होता है 10 में से आप 7 मैच फिनिश करते हो। जब जब रिंकू सिंह पे बात आई है तब तब रिंकू सिंह ने घंटा बजाया, जब जब रिंकू सिंह पे बात आई है तब तब रिंकू सिंह ने इनका रणदीप राणा बंद किया, घंटा बजा दिया पकड़ के। मैंने कल आपको क्या बात बोली थी कि सूर्या कुमार यादव बेटा कल चलेगा, कुछ भी ले लो सूर्या कुमार यादव के बल्ले से कल रन आ रहे हैं। मैंने जो प्रेडिक्शन वीडियो की थी बताओ ठीक हुई है या नहीं हुई, मैंने कल बात की थी कि सूर्या कुमार यादव के बल्ले से कल रन आ रहे हैं, लेकिन उससे अच्छी बात जो मुझे लगी है वो ये लगी है कि रिंकू सिंह, अब कोई रिंकू सिंह को T20 वर्ल्ड कप से बाहर नहीं कर सकता, अब कोई रिंकू सिंह को जो है वो T20 क्रिकेट से बाहर नहीं कर सकता लिटरली। हाँ हमें अभी भी मैं यही बात करूंगा कि हमें अब 5-0 मारना है, हमें अब 5-0 मारना ही मारना है ऑस्ट्रेलिया को, 5-0 मारना है तो फिर मजा आना है, 5-0 नहीं मारना तो ऑस्ट्रेलिया वालों को कुत्ता करके वापस भेजना है। ये जो ट्रेवर सेट बाहर बैठ के इंतजार कर रहा था ना इंडिया की हार का, बेटा मैंने तेरी बजा देनी है पकड़ के, तेरा मैंने घंटा बजा देना पकड़ के, तुझे मैंने कुत्ता कर देना है, कुत्ता बना देना मैंने तेरा पकड़ के। अभी अब वो भी कुछ भी नहीं हुआ, अभी ये कुछ ओए अगर ये ऑस्ट्रेलिया की ये बैटिंग लाइन अपना 209 ही ना डिफेंड कर सकती तो मेरे छनकने पे वजह आ गए। मैं तो पहले भी ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप का विनर मानता नहीं हूँ, पहले भी ये चीटिंग करके वो रोहित शर्मा का मुझे बताओ, जितने भी बंदे देख रहे हो रोहित शर्मा का तो नॉट आउट था,
रोहित शर्मा का तो नॉट आउट था बेटा, रोहित शर्मा का उधर आउट ना होता तो आपका अब्बा भी ये फाइनल ना लेके जाता। वो रोहित शर्मा का रंडी रोना करके आपने नॉन आउट नॉट आउट ले लिया वो रोनी डाल के, उसके बाद आके फिर आपने रोनी डाल दी। बेटा ये रोनी डाल के अगर आप वर्ल्ड कप का फाइनल ले भी गए हो ना, सबको पता है इस बात से, मेरा मेरे जितने देखने वाले सब एग्री करेंगे कि बेटा बेशक बेशक ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत के गया, लेकिन यकीन करो जितने दिल इंडिया ने जीते है ना, ऑस्ट्रेलिया की जीत के चर्चे नहीं है, इंडिया की हार के, जो उन्होंने हार के दिल जीते हैं ना बेटा, सबसे ज्यादा चर्चे उनके हैं। ये बात सबको पता है और ये बात मैं आपको भी बता रहा हूँ। ये मैं बात ऑस्ट्रेलिया को मैं एक बात बताना चाहता हूँ बेटा, अभी आपकी ठुकाई होगी इस सीरीज में, अभी आपकी ठुकाई करेंगे इंडिया इस सीरीज में, अभी आपके कुत्ते बनाए कुत्ता बनाएगा आपको, अभी आपको ठुकाई करेगा सूर्या कुमार यादव मिस्टर 360 बेटा, आपको रंडी रोना ना करवा के गया। उसके बाद अगर आप लोग किसी आईसीसी के इवेंट में इंडिया को मिल गए और वो भी नॉकआउट मैच में, ये मैं चैलेंज के साथ बात कह रहा हूँ, यकीन करो इंडिया ने इतना मारना है आपको, इतना मारना है आपको। आज इंडिया जीता नहीं है, आज उनकी आंखों में वो गुस्सा नजर आ रहा था वर्ल्ड कप फाइनल का, आज सूर्या कुमार यादव वर्ल्ड कप फाइनल का गुस्सा उतार के गया है। आज सोनू बेटा बाहर आ जरा देख सूर्या कुमार यादव, मुझे बाबर देखो, बाबर आजम 3 साल T20 क्रिकेट में नंबर वन रहा, सूर्या कुमार यादव पिछले 1.5 साल से T20 में नंबर वन है, और किसी का बाप भी अभी कम से कम उसको T20 क्रिकेट से ना नंबर वन पोजीशन से आगे पीछे नहीं कर सकता। मुझे बताओ बाबर आजम इंपैक्टफुल इनिंग्स खेलता था या सूर्या कुमार यादव इंपैक्टफुल इनिंग खेलता है? 41 बालों पे 80 रन वो बना के गया है, बाबर आजम होता तो 70 बालों पे 80 रन उसके होने थे और मैच के बढ़ जाने थे, मैच का घंटा बच जाना था। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जितने बंदे चैनल के ऊपर पहली बार है वो चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इंडिया ने पकड़ के ऑस्ट्रेलिया का घंटा बजा दिया, इंडिया ने पकड़ के ऑस्ट्रेलिया की कुत्ता कमा दिया, इंडिया ने पकड़ के ऑस्ट्रेलिया को ये बता दिया कि बेटा अब हर बार आपको ना वर्ल्ड कप के फाइनल का बदला लेना पड़ेगा, हर बार आपको वर्ल्ड कप के फाइनल का बदला। पैट कमिंस ने, पैट कमिंस पे आता हूं ना जरा, पैट कमिंस गया ऑस्ट्रेलिया, पहली तो बात है उसको उधर कोई रिसीव करने नहीं आया बेचा, अकेला वो अपनी ट्रॉली लेके घूमता रहा। पैट कमिंस ने फिर ऑस्ट्रेलियन मीडिया को इंटरव्यू देते हुए बोला है क्या जी, वो हमने जी गाबा की हार का बदला लिया इंडिया से, वो जब से इन्होंने हमें गाबा में ठोका था उसके बाद हमें जी बड़ा जलील होना पड़ा, फिर हमने जी उसका बदला ले लिया। बेटा ये आपने तो गाबा की हार का बदला लिया ना, इंडिया ने अभी आपसे वर्ल्ड कप फाइनल की हार का बदला लेना है। इंडिया की आज कम से कम ना मुझे थोड़ी सी खुशी हुई है, थोड़ी सी सांस में सांस आई है जब से इंडिया ने ठोका ना आज ऑस्ट्रेलिया को, कम से कम आज मुझे थोड़ी ना थोड़ी ऐसे बंदा कहता है ना बस पुरसकूनियत सी आती है, थोड़ा सा माहौल बनता है। वो जब से फाइनल हारे हुए ना दिल करता वीडियो बनाने का, ना कोई जो है वो कोई बात करने का दिल करता है, जब मैं देखता हूँ वो कोई टिकटॉक चला रहे हो या कोई इंस्टाग्राम चला रहे हो या रील्स देख रहे हो, बार बार वो फाइनल की रील्स आगे आ रही है और दिल ऐसे टूट जाता है फिर देख के, फिर बंदा मोबाइल रख देता है। आज कम अज कम ना जितने भी बंदे हैं ना बेटा, उनको कम अज कम आज नींद अच्छी आएगी, क्योंकि ठोक गया ऑस्ट्रेलिया। आज ऑस्ट्रेलिया का जो रंडी रोना था, आज ऑस्ट्रेलिया का जो तमाश भी नहीं थी, अब आओ ना आओ रहो बेटा। ऑस्ट्रेलिया जी ये आपकी ए टीम है, अभी कुछ मेरी बात सुनो, इंडिया की ए टीम थी या ऑस्ट्रेलिया की बी टीम थी मुझे बताओ? ना रोहित खेल रहा है, ना कोहली खेल रहा है, ना राहुल खेल रहा है, ना अय्यर खेल रहा है, ना बुमराह खेल रहा है, ना हार्दिक खेल रहा है, ना शमी खेल रहा है, ना कुलदीप खेल रहा है, ना जडेजा खेल रहा है। ये इंडिया की बी नहीं बल्कि इंडिया की सी टीम थी, ये आईपीएल वर्सेज ऑस्ट्रेलिया था, ये आईपीएल वर्सेज ऑस्ट्रेलिया था। एक साइड पे आईपीएल की टीम थी और एक साइड पे ऑस्ट्रेलिया की टीम थी, आईपीएल की टीम ने माइटी ऑस्ट्रेलिया को ठोक दिया यार। जिस टीम में मैक्सवेल भी बैठा हो, स्टीव स्मिथ आपका खेल रहा है, ट्रेवस हेड बैठा हुआ है, इंडिया का तो कोई डगआउट में भी नहीं था बैठा हुआ, इंडिया का तो कोई डगआउट में भी नहीं था बैठा हुआ, डगआउट में भी इंडिया का कोई नहीं था बैठा हुआ, जबकि ऑस्ट्रेलिया के तो सारे बैठे हुए थे, ऑस्ट्रेलिया के तो डगआउट में भी सारे थे। ऑस्ट्रेलिया का तो कप्तान मैथ्यू वेट था, एक्सपीरियंस रखता है, इंटरनेशनल वर्ल्ड कप जीता हुआ है बेटा, वो शाहीन अफरीदी को तो ठोका था ना उसने। और एक और बात मैथ्यू वेट को मैं बता दूं बेटा, ये शाहीन अफरीदी नहीं है जिसको तू पीछे निकल के 3 छक्के मार लेगा, और ये टीम इंडिया है, इनसे बदला लेगा ना तो तेरा ऐसा घंटा बजाएंगे, तेरा ऐसा घंटा बजाएंगे कि तेरे अंदर उन्होंने ये घुमा के डंडा दिया, घुमा के ट्रेवस हेड का गुस्सा तेरे पे उतरा है, ट्रेवस हेड का गुस्सा तेरे पे उतरा है, मैं ये बता रहा हूँ मैथ्यू वेट को। जॉश इंग्लिश ने 100 तो मारा है लेकिन वो लूजिंग कास्ट में गया है, वो 100 बाबर आजम कैटेगरी में गया है, वो 100 का घंटा बज गया है। आज देखो मैं क्यों कहता हूँ, सूर्या कुमार यादव एक ऐसा प्लेयर है जो T20 क्रिकेट को, जिसने क्रिकेट खेलने का अंदाज बदला है। अभी कुछ लोग गुस्सा कर रहे थे कि यार स्काई नहीं चलता, ये नहीं, मैंने कल बात क्या की है, मैंने बोला स्काई का फॉर्मेट ये है, अब स्काई की क्रिकेट है,
अब स्काई की क्रिकेट आ रही है, अब स्काई आपको बजाएगा। ये तो अभी उसने आज समझ लो डेमो दिखाया है, आज उसने डेमो दिखाया, आज वो अपनी गलती से शॉट मार के आउट हो गया बेटा, वरना उसका 100 आ जाता ना तो मैंने इधर ढोल लगा के आपकी बजानी थी, क्योंकि कल मैंने प्रेडिक्शन में बताया था कि सूर्या कुमार यादव के बल्ले से निकल रहे रन, सूर्या कुमार यादव के बल्ले से रन आ रहे हैं। बेटा मैं भी खुद भी मैं भी पाकिस्तान में बड़ा ट्रोल हूँ, जब इंडिया हारा है ना, आई थिंक आप चलो इंडियन थे, आपको तो दुख हुआ होगा, लेकिन मुझे दुख के साथ साथ मुझे मेरी ट्रोलिंग भी हुई है, क्योंकि जारी से बाद मैं पूरे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को सपोर्ट कर रहा था, मैंने लिख के बोला हुआ था कि टीम इंडिया को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, इंडिया जीतेगा ये करेगा, लेकिन बेटा जब से इंडिया हारा है उसके बाद जितना ट्रोल पाकिस्तान में मैं हुआ हूँ ना, तो मुझे पता कि मैंने किस तरह ये चीज़ें कवर अप की हैं, और मुझे पता कि मैंने किस तरह ये सारी चीज़ें हैंडल की हैं, लेकिन बेटा अभी कम अज़ कम मुझे सुख का सांस आया, अभी कम अज़ कम मुझे खुशी हुई है कि टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का घंटा बजाया, टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को बताया कि बेटा उस दिन तो आप रोनी डाल के जीत, यकीन करो यार उस दिन ऑस्ट्रेलिया रोनी डाल के जीता है, ऑस्ट्रेलिया उस दिन रोनी डाल के जीता है, ऑस्ट्रेलिया उस दिन इंडिया से रोनी डाल के जीता है, यकीन कर लो रोनी डाल के जीता है। यार मुझे बताओ रोहित शर्मा का आउट था, आउट था ही नहीं रोहित शर्मा का, वो ट्रैवल सेट की जब वो बाल क्लोज करके दिखाई गई है तो उसका हाथ तो बाल और जमीन पर लगी हुई थी, वो तो आउट नहीं था, और ये बात ट्रैवल सेट को भी पता है, ये बात ट्रैवल सेट को भी पता है कि वो रोहित शर्मा का जो है वो नॉट आउट था, और इन्होंने आउट दे के रोहित शर्मा को, बेटा अगर रोहित शर्मा उधर खड़ा हो जाता ना जिस तरह की उसकी बल्ले पे बाल लग रही थी ना बेटा, ये आपका अब्बा भी ना उस दिन फाइनल ना जीत पाता, वो दिन बुरा था, अनलक। मैं ना ये नहीं बोलूंगा कि इंडिया ने बुरी क्रिकेट खेली है, मैं अभी भी उसी बात में अपने कायम हूँ कि इंडिया उस टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन टीम थी, इंडिया उस टूर्नामेंट की असल विनर है। बेटा ये काम नहीं होता कि एक टीम है उसने जो है वो सारे के सारे मैच जीते हूँ मैं, और एक अपना वो मैच हार गया और आप ये बोल दो यार ये टीम तो जी फारग है, नहीं जी, 10 मैच इन्होंने खेले थे और 10 में से 10 मैच वो जीते थे, 10 मैच इन्होंने खेले थे और 10 में से 10 मैच वो जीते थे, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो टूर्नामेंट की बेस्ट साइड थी, वो टूर्नामेंट की बेस्ट टीम थी, और वो टूर्नामेंट की बेस्ट टीम एवं ही नहीं बन गई बेटा, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का घंटा ग्रुप मैच में बजाया था और उस दिन भी ऑस्ट्रेलिया का घंटा बज चुका था, जब 47 पे 3 आउट थे ना, ऑस्ट्रेलिया वालों से पूछना था, इनके शटे टाट हो गए थे तब, वो तो ट्रैवल सेट पता नहीं कहां से निकल आया और वो रन कर गया, मुझे दुख है उस बात का, अभी भी मैं बात करता हूं उसकी, दिल करो कल भी मेरे इंस्टा पे वो ही स्टोरी लगी हुई थी कि वो मैंने दिल तोड़ के लगाया। तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तान की टीम को भी अब ऑस्ट्रेलिया में जाना है, लेकिन उनको आपने देखा होगा बाबर आजम की छुट्टी हो चुकी है, और बाबर आजम की लगता नहीं है कि किसी भी तरह T20 क्रिकेट में वापसी हो पाएगी, लेकिन पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि बाबर आजम को T20 में अभी तक बनाए रखना चाहिए। उधर रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर भी भारत में चर्चे हो रहे हैं, लेकिन इनको तो दोस्तों अगर ये खुद चाहेंगे तो आपने देखा होगा इंडियन मीडिया के हवाले से कि अगर दोनों चाहेंगे तो ये T20 वर्ल्ड कप में ज़रूर खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन उधर बाबर आजम को लेकर पाकिस्तान में काफ़ी हुल्ला मचा हुआ है, तो देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या होगा। हम आपके लिए इसी तरह के एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।